गुड मॉर्निंग किड्स। तो आज हम आपको EBS में चैप्टर 7 के वर्ड मीनिंग्स लर्न कराएंगे। क्या कराएंगे? वर्ड मीनिंग्स लर्न कराएंगे और उसकी एक्सरसाइजेस फिल करना सिखाएंगे। तो चलिए वर्ड मीनिंग्स लर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा प्लैनेट। क्या है प्लैनेट? PLANET। प्लैनेट मीन्स ग्रह। PLANET प्लैनेट। प्लैनेट मीन्स ग्रह। सेकेंड है हॉलो। HOLLOW। हॉलो। हॉलो मीन्स खोखला। HOLLOW। हॉलो। हॉलो मीन्स खोखला। चलिए उसके बाद थर्ड नंबर का जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है हर्बी बोरस। क्या है हर्बी बोरस? HERBIVORES। हर्बी बोरस मतलब शाकाहारी। हर्बी बोरस मतलब शाकाहारी। हर्बी बोरस मतलब शाकाहारी। HERBIVORES। हर्बी बोरस मतलब शाकाहारी। उसके बाद फोर्थ नंबर का है हमारा कार्निवरस। CARCARNIVORES। कार्निवरस मतलब मांसाहारी जानवर। CARNIVORES। कार्निवरस। कार्निवरस मतलब मांसाहारी। चलिए उसके बाद है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ओमनिवरस। OMNIVORES। ओमनिवरस मतलब होता है सर्वाहारी। ओमनिवरस मतलब सर्वाहारी। OMNIVORES। ओमनिवरस मतलब सर्वाहारी। नेक्स्ट है स्केवेंजर्स। स्केवेंजर्स का मतलब होता है खोजी जानवर। स्केवेंजर्स का मतलब क्या होता है? खोजी जानवर। SCAVENGERS। स्केवेंजर्स मतलब खोजी जानवर। SCAVENGERS। स्केवेंजर मतलब खोजी जानवर। SCAVENGER। स्केवेंजर मतलब खोजी जानवर। SCAVENGER। स्केवेंजर मतलब खोजी जानवर। अगला है फॉरेस्ट। FOREST। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। FOREST। फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? जंगल। अगला है नेक्टर। NECTAR। नेक्टर मीन्स रस। NECTAR। नेक्टर। नेक्टर मीन्स रस। NECTAR। नेक्टर। नेक्टर मीन्स रस। उसके बाद नेक्स्ट है अर्थवर्म। ERTHWORMS। अर्थवर्म्स मीन्स होता है कैचुआ। क्या होते हैं? कैचुए। ERTHWORMS। वर्म्स। अर्थवर्म्स मीन्स कैचुए। अर्थवर्म्स मतलब कैचुए। चलिए उसके बाद है अगला पर्पस। PURPOSES। पर्पस मीन्स उद्देश्य। पर्पस मीन्स उद्देश्य। PURPOSES। पर्पस। पर्पस मीन्स उद्देश्य। PURPOSES। पर्पस। पर्पस मीन्स उद्देश्य। चलिए उसके बाद अगली स्पेलिंग देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बोन। बोन्स मीन्स हड्डियाँ। BONES। बोन्स। बोन्स मीन्स हड्डियाँ। BONES। बोन्स। बोन्स मीन्स हड्डियाँ। बोन्स हड्डियाँ। बोन्स मीन्स हड्डियाँ। 12 नंबर की हमारी वर्ड मीनिंग है डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स दिशा। DIRECTION। डायरेक्शन मीन्स दिशा। DIRECTION। डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स दिशा। उसके बाद 13 नंबर पर है लीच। लीच। लीचिस मीन्स जोक। LEECHES। लीचिस मीन्स जोक। LEECHES। लीचिस। लीचिस मीन्स जोक। Teaches means joke। उसके बाद 14 नंबर पर है flash। FLESH। flash means mass। FLESH। flash means mass। flash means mass। उसके बाद last है swallow। SWALLOW। swallow means निगलना। SWALLOW। swallow means निगलना। swallow means निगलना। चलिए एक बार फिर से अपने सारे वर्ड मीनिंग्स का रिवीजन करते हैं।
प्लैनेट ग्रह हॉलो खोखला हर्बिवोरस शाकाहारी कार्निवरस मांसाहारी ओमनिवरस सर्वाहारी स्केवेंजर्स खोजी जानवर और फॉरेस्ट जंगल नेक्टर रस अर्थवॉर्म केचुआ पर्पज उद्देश्य बोन्स हड्डियां डायरेक्शन दिशा लीचीज जोंक फ्लैश मास स्वेलो निगलना। चलिए अब हम अपने चैप्टर 7 की एक्सरसाइजेस फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब MCQs। टिक द करेक्ट ऑप्शन मतलब ये जो तीन ऑप्शन दिए हैं आपको इसमें से उस ऑप्शन पर टिक करना है जो सही है। चलिए तो फर्स्ट पढ़ते हैं। विच वन इज हर्बीवोरस मतलब इनमें से कौन सा एनिमल हर्बीवोरस है। चलिए बताइए काउ टाइगर या वुल्फ बताइए कौन होता है। तो काउ हर्बीवोरस एनिमल होती है। चलिए उसके बाद अगला है विच वन इज अ स्केवेंजर मतलब इन तीनों में से स्केवेंजर्स कौन है। स्केवेंजर हाइना है क्रोकोडाइल है ज़ेब्रा है बताइए हाइना क्या है स्केवेंजर एनिमल है। चलिए तो इसमें से सही ऑप्शन आपका क्या है स्केवेंजर एनिमल का हाइना। उसके बाद विच एनिमल सक्स ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स मतलब कौन सा जानवर ऐसा है जो दूसरे जानवरों का खून चूसता है बताइए। बटरफ्लाई टाइगर लीच बताइए कौन सा एनिमल ऐसा होता है। लीच कौन सा होता है बच्चों। लीच को हम हिंदी में क्या कहते हैं अभी मैंने आपको वर्ड मीनिंग में याद करवाया जोंक। क्या बोलते हैं जोंक। लीच एंड मॉस्किटोज दोनों ही क्या करते हैं दूसरे जानवरों का खून चूसते हैं। समझ आया। चलिए उसके बाद अगला फोर्थ नंबर का है हमारा विच वन इज ए एक्सटेंट एनिमल यहाँ पर एन आएगा समझ में आया। विच वन इज एन एक्सटेंट एनिमल बताइए इनमें से कौन सा एनिमल एक्सटेंट है मतलब विलुप्त हो चुका है जो 100 साल पहले रहा करते थे। तो बताइए बफेलो डोडो रैबिट बताइए कौन है ऐसा जो एक्सटेंट एनिमल है इनमें से। डोडो कौन सा है बच्चों डोडो। चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। सी नंबर की एक्सरसाइज है हमारी फिल द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स मतलब आपको फिल द ब्लैंक्स फिल करनी है जो इस बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं उनसे। तो चलिए फर्स्ट हमारा क्या है अ डैश यूज इट्स टेल टू डांस मतलब ऐसा कौन होता है जो डांस के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करता है बताइए कौन होते हैं। पिकॉक होते हैं अ पिकॉक यूजेस इट्स टेल टू डांस मतलब मोर नाचने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करता है चलिए उसके बाद सेकंड क्या है हमारा वॉर्म्स एंड स्नेक्स हैव डैश बॉडीज मतलब वॉर्म्स मतलब जो वॉर्म्स होती हैं और स्नेक होती हैं उनका शरीर कैसा होता है उनके पास कैसा शरीर होता है उनका शरीर इलोंगेटेड होता है ना। तो वॉर्म्स एंड स्नेक्स हैव इलोंगेटेड बॉडी क्या हुआ इलोंगेटेड बॉडीज वॉर्म्स एंड स्नेक्स हैव इलोंगेटेड बॉडीज। चलिए उसके बाद अगला है मोस्ट लैंड एनिमल्स
हैव ब्लैंक लेग्स, मतलब जो मोस्ट अधिकतर धरती पर चलने वाले जो जानवर होते हैं उनके पास कितने पैर होते हैं, ये पूछ रहे हैं। अब बताइए कितने पैर होते हैं? 4। कितने होते हैं बच्चों? 4। मोस्ट लैंड एनिमल्स हैव 4 लेग्स, जैसे काउ, फैलो, डॉग्स, आप देख सकते हैं कैट, इन सबके कितने पैर होते हैं? हॉर्स, गोट, इन सबके कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इंसेक्ट्स हैव ब्लैंक लेग्स, जो कीड़े होते हैं उनके पास कितने पैर होते हैं? 6। इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। समझ आया? इंसेक्ट्स हैव 6 लेग, मतलब जो कीड़े होते हैं उनके पास 6 पैर होते हैं। बर्ड्स हैव प्लैंक टू फ्लाई, पक्षियों के पास उड़ने के लिए क्या होता है? तो पक्षियों के पास उड़ने के लिए क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। तो बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। चलिए उसके बाद हम अपनी 3 नंबर की एक्सरसाइज देखते हैं। राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड फॉर एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब जो भी स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है उसके लिए आपको एफ लगाना है, और जो भी स्टेटमेंट इसमें राइट है उसके लिए आपको क्या लगाना है? टी लगाना है, मतलब ट्रू है जो भी स्टेटमेंट। तो फर्स्ट क्या है? डॉग इज अ बिग एनिमल। अब आप बताइए क्या डॉग बड़ा जानवर है? बताइए मुझे, बताइए। नहीं, डॉग इज अ स्मॉल एनिमल। कैसा एनिमल है? स्मॉल। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कैसा है? फॉल्स है। उसके बाद सेकंड है, फिश हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, मतलब फिश का जो शरीर होता है वो धारा रेखित होता है। हाँ, तो फिश हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। चलिए उसके बाद थर्ड नंबर का है, अ डॉग यूजेस इट्स टेल इन डिफरेंट वेज, मतलब जो कुत्ता होता है वो अपनी पूंछ का उपयोग विभिन्न तरीकों से करता है। बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। तो अ डॉग यूजेस इट्स टेल इन डिफरेंट वेज, मतलब जो कुत्ता होता है, एक कुत्ता अपनी पूंछ का उपयोग विभिन्न तरीकों से करता है। बताइए ये स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग है, राइट है या रॉन्ग है? ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो टी लगेगा। चलिए उसके बाद, जेब्रा इज एन ओमनीवरस एनिमल, जेब्रा इज एन ओमनीवरस एनिमल। बताइए ओमनीवरस होता है जेब्रा? नहीं होता है। क्या होता है? हर्बीवरस होता है। तो जेब्रा इज एन ओमनीवरस एनिमल, ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। चलिए उसके बाद 5th नंबर का है, वी शुड किल एनिमल्स। बताइए हम जानवरों को मारते हैं? ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? एफ आएगा। चलिए अब अगली जो एक्सरसाइज है आपकी, एक्टिविटी टाइम में। तो बच्चों एक्टिविटी टाइम में आपको जो पिक्चर्स दी हुई है आपको उन पर क्या करना है? कलर करना है। कलर द पिक्चर ऑफ द एनिमल्स, जानवरों की पिक्चर पर कलर करो। गिवन बिलो, मतलब जो नीचे दी हुई है, तो जो नीचे पिक्चर्स दी हुई है आपको उन पर क्या करने हैं? कलर करने हैं। आपको समझ आया? जो ये सारी एक्सरसाइजेस आपको अपनी पेयर नोटबुक में करनी है। समझ आया आपको? ये सारी एक्सरसाइजेस आपको अपनी पेयर नोटबुक में करनी है। चलिए गुड बाय।